23 में 14 ऐड करने पर क्या आंसर आया? 33।
अब हम टू डिजिट के कैरी वाले सम करते हैं, सीखते हैं कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम कोई भी अपन नंबर ले लेंगे, जैसे 43 में हमने 29 ऐड करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वन टेंस लिख लेते हैं ताकि ये सम करना इजी हो जाए, और कैरी वाले सम है इसलिए हम कैरी बॉक्स भी बना लेते हैं। अब सबसे पहले वंस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं सम करना। कोई भी सम करो बच्चों, तो वंस वाली साइड से ही सम को करना स्टार्ट करते हैं। तो वंस वाली साइड में सबसे पहले हमारे पास कौन सी डिजिट है, 3। तो 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3। और सेकंड नंबर पे नीचे कौन सी डिजिट है, 9। तो 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सभी जो लाइन्स हमने खींची हैं उनको इकट्ठा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हुआ बच्चों, 3 में 9 ऐड करने पर आया 12। इस 12 को हम एक साइड में लिख लेते हैं। अब इस 12 में हम देखते हैं वंस वाले स्थान पर कौन सा डिजिट है हमारे पास, तो वंस पे क्या है, 2। अब 2 को हम वंस वाली लाइन में लिख देंगे, और टेंस वाली लाइन में क्या, टेंस के नंबर पे क्या है, 1। तो टेंस को हम टेंस वाली रो में लिखेंगे, तो ये 1 क्या है, कैरी टेंस वाली रो में जो हमने कैरी बॉक्स बनाया है यहाँ लिख देंगे। और अब हम टेंस वाली लाइन की डिजिट को यहाँ पर नोट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैरी 1, फिर है 4, 1 2 3 4, और नीचे क्या है, 2, 1 2। तो अब हमने ये सारी लाइन को इकट्ठा काउंट करना है, इनको ऐड करने के लिए फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हुआ बच्चों, 7। तो 43 में 29 ऐड करने पर क्या आया, 72। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 35, इसमें हमने ऐड करना है 26। अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे, हम सबसे पहले हमारा वही तरीका रखेंगे, वंस और टेंस वाला और कैरी बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले वंस वाली डिजिट जो ऊपर की है उतनी ही लाइंस लगाएंगे, ऊपर क्या 5, तो 5 लाइंस खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे अब नीचे हमारे पास कौन सी डिजिट है, 6, तो 6 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सभी लाइंस को इकट्ठा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना आया बच्चों, 11 11। हम एक बार साइड में लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे वंस वाली डिजिट में क्या है, 1, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे वंस वाली डिजिट के नीचे, 1। और अब यहाँ टेंस वाली डिजिट में क्या है, 1, तो ये हम टेंस वाली डिजिट में कैरी लगा देंगे। अब हम इसे साइड वाली डिजिट को ऐड करेंगे, सबसे पहले ऊपर कैरी है 1, फिर हमारे पास है 3, तो 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 2, तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब इन सभी को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया टोटल इसका, 6। 35 में अगर हम 26 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 61। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, 1 डिजिट के नंबर किया है, 2 डिजिट के नंबर किया है, और 2 डिजिट के कैरी वाले सम ऐड करना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।